कोई इलाज नहीं दिया, फिर दोबारा कोई इलाज नहीं दिया उन्होंने, फिर कोई इलाज नहीं किया। और देखा है एक एक बार डॉक्टर साहब ने देखा है, डॉक्टर को लगा कि बिल्कुल ये 100% मैं आप कह सकता हूँ ये भी कि डॉक्टर को लग गया ये कि ये बच्चा कोमा में जा रहा है, और इसलिए पीछे छुड़ा करके डॉक्टर भाग गया वहाँ से। अच्छा, उसके बाद जो मरीज भर्ती थे अंदर, क्या मरीज उस समय भर्ती भी थे? मरीज भर्ती थे, मरीज ऊपर भर्ती थे, और भर्ती दे करके उनको इनके स्टाफ ने क्या किया है कि बाहर से एक ताला मार करके मरीजों को भी अंदर करके छोड़ के भाग गए। उसमें भी मरीज की हालत ख़राब हुई, हमारा बच्चा तो डेथ हो ही गया है, और बच्चे भी डेथ होने वाले थे, सर पटक रहे थे गार्जियन सुन के। उसके बाद कोतवाल ने जो है, सिटी कोतवाल ने है, और ताला तोड़ करके उन बच्चों को निकाला, किसी तरह से बच्चे की जान बचाई। मैं बहुत आभारी हूँ उनका, बेचारा मेरा बच्चा तो गया, लेकिन उस बच्चे का उन्होंने, इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने जान बचाई, बहुत बहादुरी का काम किया उन्होंने ये। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई क्लिनिक की तरफ ऊपर कार्रवाई की जा रही है? अभी हमें तो नहीं लग रहा है कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। हालांकि हम SSP महोदय से मिले थे, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें, और उस दिन क्लिनिक बंद करा दिया था, उस दिन भी खुला हुआ था क्लिनिक, लेकिन SSP साहब ने तुरंत आदेश किया और क्लिनिक बंद कराया। लेकिन उसके बाद हम आज देख रहे हैं, आज हमको सूचना मिल रही है क्लिनिक खुला हुआ है और पेशेंट देखे जा रहे हैं उसमें। हाँ, उसकी जांच के लिए हमारे SSP साहब का निर्वास पत्र आया है, तो उसमें हमने टीम गठित करके उसमें जांच बैठा दी है और जांच अभी जारी है। सर, जैसे इसमें ये क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ मरीज भर्ती किए जा रहे हैं, ये क्लिनिक है लेकिन यहाँ मरीज भर्ती किए जा रहे हैं, क्या इस परिपेक्ष में भी आपने कुछ जाँच की है या? जाँच सभी एंगल से की जाएगी। अच्छा, इनका रजिस्ट्रेशन कैसा है, क्लिनिक का है या हॉस्पिटल का है? क्लिनिक का तो है ही, क्लिनिक का तो है ही, बाकी नर्सिंग होम का है कि नहीं इसको देखा। अच्छा, ये बताइए सर, जो इनके यहाँ फार्मासिस्ट स्टाफ है या जो अन्य स्टाफ हैं, वो क्या प्रशिक्षित हैं या नहीं है? ये तो सब जांच के बाद पता है।